हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं लुलु मॉल, और यहाँ पे पहुँचे ही थे कि नज़ारा आप देख सकते हैं, बारिश चालू हो गई है। और ये हम खड़े हैं एग्ज़िट के पास, और थोड़ी सी धीमी हो तब मैं गेट के तरफ से अंदर जाऊँ, और तब तक आप बारिश का मज़ा लीजिए। जो लुलु मॉल में एंट्री है वो लगभग 4 गेट से होती है, और मैं जो हूँ वो एग्जिट के साइड खड़ा हूँ। ये एक एग्जिट टाइप का है, फायर एग्जिट, और यहाँ पे थोड़ी सी छांव मिल गई जिससे मैं बारिश से बच गया। बाकी अगर आपको एंट्री लेनी है तो बारिश हो रही है तेज, और गेट है उस साइड में, उस साइड में, और जाना है मुश्किल। मॉल में हो चुकी है मेरी एंट्री, और ये हुई है पार्किंग के साइड से, क्योंकि जो कारें आ रही थी वो पार्किंग की तरफ जा रही थी, और गेट जो था वो बहुत काफ़ी दूर था, और पानी बहुत ही तेज़ था। आप देख सकते हैं नीचे कितना गाड़ियों के साथ पानी आ रहा है, और जो पार्किंग है वो बहुत ही बड़ी पार्किंग है। पार्किंग में जो अवेलेबिलिटी है कार्स की वो दिखाती है, ये जो हरी लाइट्स जल रही हैं आपके सामने, ब्लिंक हो रहे हैं, इनसे पता चलता है कि कहाँ पे कार लगाई जा सकती है, कहाँ पे जगह खाली है, और जो रेड है वो पार्किंग जो फुल हैं उनके लिए रेड लगाई जाती है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जो इस टाइम भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है लुलु मॉल में। मॉल में हो चुके हैं एंट्री, और हम आ चुके हैं हाइपर मार्ट के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये लोग ट्रॉलीज लेकर जा रहे हैं, इतनी सारी ट्रॉलीज शॉपिंग में सब काम आएंगी। और यहाँ से होती है एंट्री लुलु मॉल की, और यहाँ पे रखे जाते हैं सारे बैग्स, और बैग्स में जो छोटे बैग्स हैं उनमें ये लोग लॉकर लगा के अंदर ले जाने देते हैं। तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा हाइपर मार्ट लुलु का, और इसके साथ ही करते हैं मॉल में एंट्री। आप देख सकते हैं कि फलों की कितनी ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे, और सेब हुए, संतरे हुए, जो भी आप लेना चाहते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग प्राइसेस के सब्जियां हैं, और वो भी रीज़नेबल रेट्स में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके रेट्स, देख सकते हैं आप, ये देखिए कितने टाइप की सब्जियां हैं यहाँ पे, बैंगन है, कद्दू है, रेट देख लीजिए आप। ये पोटैटो का 2 किलो का पैकेट है, और ये है सिर्फ 50 रुपए का। आप खजूर की इतनी सारी वैरायटीज देख सकते हैं यहाँ पे। नमकीन की इतनी सारी वैरायटीज देख सकते हैं आप, और जो इनका रेट है वो बहुत ही रीजनेबल है। आप देख सकते हैं 40 रुपए, 35 रुपए, 45 रुपए, सब इसी के अराउंड में रेट्स हैं, और बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई हैं सारी नमकीनें। सलाद की वैरायटीज आप देख सकते हैं, ये टॉपिंग्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की हैं। फ्रेश गार्लिक पेस्ट 27 रुपए का 100 ग्राम, ये है स्वीट कॉर्न सलाद 110 रुपए का 500 ग्राम, और जो अलग अलग कंट्रीज़ का सलाद होता है, जो अलग अलग टाइप्स का होता है, जो दूसरे देशों में खाया जाता है, वहाँ भी यहाँ बहुत ही टाइप्स की वैरायटीज़ उपलब्ध।
आप लोग देख सकते हैं जो रोटी बनाने का इनका अंदाज है वो बहुत ही यूनिक है, और सारी रोटियां जो हैं वो अंदर से ही बन के आ रही हैं। ये देखिए कितने वैरायटीज़ के आम लगे हैं, और इनका रेट देखिए कितना रीज़नेबल है। ये देखिए 99 99, और ये है आम रामकेला 79 रुपीज़ का। पपीता जो है वो है 49 रुपीज़ में। केक की वैरायटी देख सकते हैं आप, बहुत ही टाइप्स की केक मिलेगी आपको यहाँ पे, और जो इनका रेट है वो लगभग 450 से स्टार्टिंग है। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है केक्स की, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा तरीके की केक्स है यहाँ पे। खाने की प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, और दाल तड़का है 90 रुपये की 500 ग्राम, पनीर टिक्का है 310 का 500 ग्राम, बहुत ही रिजनेबल रेट्स हैं। और यहाँ से आप पैक करा के, जो आपको पैकिंग की जो स्टाइल है वो है एक डब्बे में करके आपको देंगे एकदम एयर टाइट करके, और आप यहाँ से ले जाके अपना फूड कोर्ट में आराम से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं, खा सकते हैं। ये है पनीर टिक्का बिरयानी, और यहीं पे आपको हैदराबादी बिरयानी भी मिल जाएगी, और ये सब वेज हैं। और इसके बाद ये है चाइनीज़ नूडल्स, मंचूरियन, पनीर चिल्ली, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं आप देख सकते हैं। ये बॉटल है 35 रुपये की फ्रेश पपाया जूस की, और ये इसमें एकदम ठंडा जूस आपको मिलेगा। ये है गुजराती स्नैक्स, और प्राइस जो है वो मेंशनड है आपके सामने, आप देख सकते हैं। पापड़ी चाट 60 रुपये की, दही वड़ा 60 का। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के सलाद अवेलेबल हैं, और ये सब आप मिक्स करके खा सकते हैं इस रेट में। यहाँ पे आपको वेट करके देंगे, और आपको वहाँ बिलिंग काउंटर पे इसे पे करना होगा। तो सारा जो भी आप ले रहे हैं वो यहाँ से पैक होगा, या फिर जिस भी काउंटर पे हैं आप वहाँ से पैक करा सकते हैं, और उसके बाद आप मेन बिलिंग काउंटर पे उसे एक साथ पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना शानदार सलाद, जो कि सिर्फ 54 रुपीज़ में मिला है मुझे, ये देखें। और इसमें तीन तरह की मेयोनीज डाली गई हैं, ओलिव ऑयल डाला गया है, ब्लैक पेपर और नमक इसमें डाला है। ये 382 ग्राम वाटरमेलन, और ये आपको पड़ेगा
38 रुपीज़ का। ये 268 ग्राम है, ये 93 रुपीज़ का है। मैं पैक करा रहा हूँ लेमन राइस और प्राइस देख सकते हैं आप कितने अच्छे से प्राइस हैं। और यहाँ पे आप जो पैक कराते हैं वो पैक कराने से पहले आप उनको गर्म करने के लिए भी बोल सकते हैं ताकि खाना जो एकदम फ्रेश रहे। ये जो प्राइसेस हैं वो हैं रोटी की, ब्रेड्स की, और इनमें जो भी आप वैरायटी चूज करते हैं उसी टाइप के प्राइसेस आपको देने पड़ेंगे। ये डिकैथलॉन है और यहाँ सेकंड फ्लोर पे आपको पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों, खाना खत्म करके मैं आ चुका हूँ लुलू हाइपरमार्ट के सेकंड फ्लोर पे, और जो कि है लुलू फैशन। और इसमें देख सकते हैं आप कितनी सारे फैशन वैरायटीज हैं। ये लेडीज सेक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे भी जो भी आइटम्स हैं सारे डिस्काउंटेड। ये सनग्लासेस का सेक्शन है और यहाँ से आप आके सनग्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा घड़ी का सेक्शन। जो भी लेडीज बैग्स हैं इन पे चल रहा है ऑफ, और आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के बैग यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत ही वैरायटीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं लुलू हाइपरमार्ट के थर्ड फ्लोर पे, जो कि है लुलू कनेक्ट, और इसमें आपको मिल जाएंगी सारी घर के सजावट की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है लुलू मॉल का फूड कोर्ट, और इसकी जो क्षमता है वो है लगभग 6000 लोगों की।
ये है फूड कोर्ट की भीड़। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है फूड कोर्ट पे, क्योंकि इसके आगे है गेम जोन। ये है लुलु मॉल का फनचूरा और यहाँ पे आप आके गेम खेल सकते हैं, झूले झूल सकते हैं और राइड। इधर आओ। तो दोस्तों हमने कवर कर ली है पूरी मॉल और अभी टाइम हो चुका है रात के 9 और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।